Hey guys, I hope you all are doing so well. अगर आप मेरे चैनल पे अभी आए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो make sure आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. And here are some of my pictures जिससे आपको आइडिया लग जाए कि मेकअप कैसा लगने वाला है. So yeah, करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे मैंने करा है अच्छे से मॉइस्चराइज अपने फेस को. एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर. मेक श्योर कि आप अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से शेप इन करो, अच्छे से फिल इन करो. एंड आईज़ के कलर्स जब भी पॉप आउट होके आता है, जब अपने आईज़ को आप आई शेडो से पहले अपनी आईज़ को अच्छे से फाउंडेशन या कंसीलर से कंसील करते हो और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद उसके ऊपर अच्छे से पाउडरिंग करो, लाइक कोई क्रीज लाइन ना रहे, कुछ भी ना रहे. देन यहाँ पे मैं ये नेवी ब्लू शेड ले रही हूँ. अगर आपकी आई शेडो यू नो आपने लोकल स्टोर से ख़रीदी है या हाईली पिगमेंटेड नहीं है, तो अगर आप लाइटेस्ट ब्लू में जाते हो तो उसमें से डार्केस्ट ब्लू यू नो डार्केस्ट ब्लू कलर लो, जिससे क्योंकि लाइट क्योंकि आज तक जितने मैंने ब्लू आई शेडो ट्राई करे हैं वो बहुत ही ज़्यादा यू नो बहुत ही ज़्यादा कम पिगमेंटेड होते हैं. तो मेक श्योर आप हाईली पिगमेंटेड वाला या फिर डार्केस्ट ब्लू में जाओ. देन यहाँ पे मैंने बड़े ही फ्रीली बहुत ही आराम से मैंने हल्के हाथों से ये अच्छे से आई शेडो को ब्लेंड कर लिया. एंड अगर आप शूट्स कर रहे हो तो कलर्स पॉप आउट होना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, तो इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि कलर यहाँ से ख़राब हो रहा है या मतलब और भी ज़्यादा वो बाहर दिखेगा तो वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. देन यहाँ पे मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर टू क्रिएट अ कट क्रीज. मैं यहाँ पे बिल्कुल हाफ़ कट क्रीज कर रही हूँ. अगर आप पहली बार कट क्रीज कर रहे हो या हाफ़ कट क्रीज कर रहे हो तो मेक श्योर आप कंसीलर को बहुत ही ज़्यादा आराम से बहुत ही ज़्यादा प्यार से लगाओ. एंड बिल्कुल भी उसको थोड़ा सा ड्राई होने के बाद अच्छे से उसके ऊपर पाउडरिंग कर लो, वरना वो ऊपर लग जाएगा. देन यहाँ पे आप कोई भी हाइलाइटर, कोई भी पिगमेंट या फिर कोई भी ग्लिटर लेके उसको अच्छे से अपनी फिंगर से कट क्रीज पे अप्लाई कर सकते हो. अगर आपकी आईज़ मेरी जैसी है या और भी ज़्यादा छोटी है तो ये वाला जो आई लुक होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. या वाइट आई शेडोज़ होते हैं, वाइट ग्लिटर्स होते हैं, तो वो आपकी आईज़ को और भी ज़्यादा पॉप आउट होकर आते हैं. देन यहाँ पे मैंने अपने कॉर्नर वी पे ब्लू आई शेडो लिया है. इसको मैं अपने कट क्रीज के अंदर अच्छे से यू नो अच्छे से ब्लेंड करूँगी और कॉर्नर वी पे मैं ज़्यादा फोकस करते हुए थोड़ा पिगमेंटेड ज़्यादा आई शेडो अपना अप्लाई करूँगी. देन यहाँ पे सारे आई शेडोज कट क्रीज सबको एक साथ ब्लेंड करेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से. देन आई एम गोना टेक दिस ग्लिटर आईलाइनर, जिससे जो क्रीज जो कट क्रीज मैंने यहाँ पे हाफ क्रीज करा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज लगे. देन आई एम गोना टेक दिस ब्लू हेवन का आईलाइनर, जिससे मैं यहाँ पे एक आईलाइनर ड्रॉ करूँगी. मैंने बहुत ही क्लासिक आईलाइनर ड्रॉ करा है, कोई भी विंग आईलाइनर नहीं है या फिर नॉर्मल आईलाइनर नहीं है, आप जैसे मर्जी इसको अप्लाई कर सकते हो. देन यहाँ पे मैंने फॉल्सेस वेयर करी हैं. देन मैंने ऑफ कैमरा दोनों अपनी आईज़ कर ली. यहाँ पे मैंने लिया है मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 310 सन बेज. एंड ये सेम एग्जैक्ट मेरा शेड है और ऑक्सीडाइज भी होता है ये फाउंडेशन. एंड मेक श्योर अगर आपकी सुपर ड्राई स्किन हो तो डेफिनेटली मॉइस्चराइज योर स्किन वेरी वेल. एंड यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अच्छे से अपने फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करूँगी. ये समर्स में अगर आपकी ड्राई स्किन है और समर्स में आपको कॉम्बिनेशन स्किन फील होती है तो डेफिनेटली ये फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. और उसके बाद मैंने सेम कंसीलर लिया है अपनी कंसील करने के लिए अपनी हाइलाइटिंग एरियाज़ को. एंड अगर आप शूट कर रहे हो, फोटोशूट्स कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा यू नो कंसीलर हाईलाइटिंग कंसीलर पे फोकस करो, बिकॉज फेस पे एडिटिंग और इन सब होने के बाद बहुत ही ज़्यादा यू नो फेस डार्क लगने लगता है. तो मेक श्योर आप लाइट कलर यूज़ करो. देन यहाँ पे मैंने अपनी नोज़ कंटोर करी है. मैंने यहाँ पे पाउडर कंटोरिंग यूज़ करी है. ये एले कलर्स की पैलेट है, हाईलाइट एंड कंटोरिंग पैलेट. देन यहाँ पे मैंने अपने अच्छे से जहाँ जहाँ पे कंसीलर लगाया था सेम कंसीलर एंड हाईलाइट पैलेट में से मैं अपने जो भी कंसील वाला है जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था वहाँ पे मैंने अच्छे से पाउडरिंग कर ली, सेट कर लिया. एंड अगर आपकी मेरी नोज़ जो है मेरी जैसे थोड़ी ब्रॉड है तो आप डेफिनेटली अपनी नोज़ अच्छे से कंटोर करो और बीच में बहुत अच्छे से हाइलाइटर लगाओ, जो आपकी नोज़ जो है फ़ोटोज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखेगी. देन यहाँ पे मैंने सेम पाउडर ब्रश से पूरे जो मैंने जहाँ पे भी बेकिंग करी या फिर जहाँ पे भी सेट करने के लिए पाउडर लगाया सेम उसी पाउडर को मैंने पूरे फेस पे अच्छे से यू नो
एक बार ब्लेंड कर दिया। देन यहाँ पे मैंने मिस क्लेयर का ये लिप कलर लिया है, लिप क्रीम है ये, जिससे मैं अपना ब्लश लगाऊंगी। मेक श्योर आप ब्लश थोड़ा ज़्यादा लगा लो, बिकॉज पिक्चर्स में वो कम दिखता है। तो आप ब्लश लिपस्टिक से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा ऑयली स्किन हो तो डेफिनेटली गो फॉर पाउडर ब्लश, आप क्रीम ब्लश मत यूज़ करना इफ़ यू आर हैविंग अ ऑयली स्किन। देन यहाँ पे मैंने सिंपली एक एंगुलर ब्रश लेके लाइटेस्ट ब्राउन कलर से अपनी पूरी आईब्रो को फिल इन कर लिया। अगर आप अपनी आईब्रो को शेप करते हो कंसीलर से तो बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा आपको फिल इन करने में। देन यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का सेम सेटिंग स्प्रे लिया था टू सेट माय फेस। मेक श्योर आप सेटिंग स्प्रे यूज़ करो, उससे ग्लॉसी लुक आता है। देन यहाँ पे मैंने मेबरिन का मास्टर क्रोम हाईलाइटर लिया एंड इट्स अ वेरी नाइस हाईलाइटर, पिक्चर्स वगैरह में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, सनलाइट में ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है ये, तो आप इसको डेफिनेटली इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी सेम थिंग अगर आपकी नोज़ ब्रॉड है मेरी तरह, तो आप डेफिनेटली अपनी ब्रिज ऑफ द नोज़ को अच्छे से हाईलाइट करो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। आप अपनी आईब्रोज़ पे अच्छे से हाइलाइटर लगाओ और उसके बाद जो ब्लू आई शेडो ऊपर की तरफ जो आपका गया था उसके साथ उसको मिक्सअप कर दो अच्छे से, हाइलाइटर को अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए वो दोनों आपस में कलर्स। देन यहाँ पे मैं अपनी ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, क्यूपिड बोस पे अच्छे से हाइलाइटर लगाऊंगी, बिकॉज हाइलाइटर एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है पिक्चर्स के अंदर एंड थोड़े से कलर पॉप आउट होके आते हैं बहुत अच्छे से। देन यहाँ पे मैंने अपनी वाटर लाइन पे सेम ब्लू आई शेडो से लगा लिया। अगर आपको लगता है कि काजल लगाने के बाद मेरी जो आईज़ हैं वो ब्लैक दिखने लगती हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नीचे कलर नहीं लगाते हो तो डेफिनेटली लगाया करो, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट लुक आता है, बहुत ही अच्छा लुक आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने मेबलिन की क्रीम मैट इन द शेड टच ऑफ स्पाइस लिपस्टिक यूज़ करी है, मैं इसको सिंपली डैब डैब करूँगी, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट। और यहाँ पे मैंने क्रियोलिन का सेटिंग पाउडर लिया है, यहाँ पे मैं अपनी लिपस्टिक को अच्छे से सेट कर रही हूँ उसी पाउडर से एंड या दिस इज़ द फाइनल लुक, होप यू लाइक इट। सो अब बारी आती है आउटफिट की, तो मैंने यहाँ पे अपना ये पुराना सा लहंगा ले लिया। देन यहाँ पे ये फर्स्ट ड्रेप मैंने करा है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से दुपट्टा लेके बीच में कोर्सेट लगाया है। अगर आपका बेली फैट नज़र आता है आपको तो आप डेफिनेटली इस हैक को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, रिच लुक देता है बिल्कुल। देन यहाँ पे ये ड्रेप टू मैंने किया है। अगर आपकी चोली बहुत ही ज़्यादा हैवी है या फिर आपको अपना बैली फैट नहीं दिखाना या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्लिम लुक दिखाना है एंड आपको अपना टमी शो नहीं करना, तो आप ये ड्रेप यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे मैंने स्टाइल थ्री जो मैंने अपनी चोली को अपने लहंगे के अंदर इंसर्ट कर लिया टू मेक अ गाउन, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अगर आप बोर हो चुके हो। देन यहाँ पे मैंने एक सिंपल बेसिक वाइट शर्ट एंड एक चोकर लिया है जिसे मैंने पेयर अप करा है अपने लहंगे से। आप हाई वेस्टेड करके इसको पहन सकते हो, अंदर वाइट शर्ट ले सकते हो, कोई भी वाइट टॉप वेयर कर सकते हो अगर आपका इस तरीके का लहंगा है तो। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है और आप दिखाना चाहते हो कि आपकी हाइट बहुत ही ज़्यादा यू नो लंबी लगे तो अच्छी लगे, तो आप मेक श्योर कि आप हाई वेस्टेड चीज़ें पहनो और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा और रिच लुक देता है। Enjoyed watching this video. Agar pasand aaya to do like, share and subscribe to my channel below. Thank you.